हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, हमारे किराना का दुकान है तो वहीं से ये राइस बैग जो है ये लेकर आए हैं। इसमें आटा और शक्कर ऐसे कुछ था तो वहाँ से लेकर आए हैं। बहुत सारा है ये, तो इसमें मैं आज आपको एक पाल सिलना बताऊंगी। तो ये जो सिलाई है उस सिलाई को मैं सबसे पहले खोल रही हूँ। यहाँ पर मैं इसको काटूँगी नहीं, इसकी जो सिलाई है उसको मैं निकाल दूँगी। इसकी सिलाई बहुत आसानी से निकल जाती है। एक साइड को आप खींच लो तो दूसरा साइड भी अपने आप ही निकल जाता है। और ये बहुत ज़्यादा गंदा है, इसमें चींटी भी हो गए थे, इसीलिए मैं इसको एक बार धोकर अच्छे से सुखा दूँगी, फिर इसमें से मैं सिलाई करूँगी। सुबह सुबह ही मैं इसको अच्छे से धो ली थी और यहाँ पे मैं छत पे ले आई हूँ इसे सुखाने के लिए, क्योंकि हवा भी चल रही थी और अगर ये उड़ भी जाएगा तो छत पे ही रहेगा। तो देखिए, मैं सबको धोकर यहाँ पे सुखा रही हूँ। और सभी बोरी सूखने के बाद यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी। तो इस तरह से एक धागा चाहिए और बड़ी सी सुई और कैंची। तो मैं इसमें अभी सुई में जो है मैं धागा डाल रही हूँ अच्छे से। मैं थोड़ा बड़ा ही धागा ले रही हूँ क्योंकि बार बार इसमें धागा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप चाहे तो छोटा या बड़ा भी ले सकते हैं। और अभी मैं दो बोरी को आपस में जोड़ दूँगी बराबर से और इसमें पहले सिलाई लगाऊंगी। तो मैं हाथ से ही सिलाई कर दूँगी यहाँ पे। देखिए, कुछ इस तरह से जोड़ लेने के बाद आप चाहे तो मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। मैं मशीन से भी सिलाई कर सकती थी पर मैं यहाँ पे हाथ से सिलाई कर रही हूँ। देखिए, इसको एकदम सीधी सी सिलाई लगानी है, एक बार इधर से फिर एक बार उधर से। यहाँ पे मैं एक बार गांठ लगा रही हूँ, फिर एकदम सीधी से सिलाई ले जानी है, सीधी सीधी सिलाई इसमें। थोड़ी सी सिलाई होने के बाद मैं इसको नीचे बिछा कर एक पैर से इसको दबाकर इसको ऐसे ही सिलाई करूँगी। इससे जो है ये जल्दी ही हो जाता है। और ये जितनी बोरी लंबी है इसको मैं पूरा लंबा इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने दो बोरी को आपस में जोड़ ली हूँ और सिलाई जो है वो ये व्हाइट कलर की ही है, इसीलिए अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। एकदम से ये अच्छे से सिलाई हो चुकी है। और अभी इसके साइड में एक और बोरी जो है उसको मैं सिलाई करूँगी। और मैं एक साइड में मतलब एक लंबा में चार बोरी ये सिलाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं चार बोरी जो है उसको मैं चारों को एक साथ लंबी सी एक सिलाई कर ली हूँ। ये छोटा बड़ा भी है क्योंकि जो भी आता है सामान वो तो एक बराबर नहीं रहता है, इसीलिए ये छोटा बड़ा भी है। और चार चार हो जाने के बाद देखिए, मैं चार बोरी ऊपर में चार बोरी नीचे में, अब दोनों को मैं बीचों बीच से इस तरह से जैसे बाद में सिलाई की थी, पहले सिलाई की थी उसी तरह से मैं यहाँ पे भी सिलाई कर लूँगी और इन दोनों को जोड़ लूँगी। देखिए, मैं यहाँ पे इसको भी जोड़ ली हूँ और मेरे पास और चार बोरी है तो मैं उसको भी सिलाई कर ली हूँ। तो साइड में उसको भी मैं जोड़ दूँगी। अगर आप चाहें तो इतना ही रख सकते हैं। ये गाँव में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जब धान होती है तब धान इसमें सुखाने या बिछाने के काम आता है। और आप इसमें बैठ भी सकते हैं, यह बहुत मतलब काम आता है। मेरे पास इसी साइज़ के और चार बोरी थी तो मैं उसको भी यहाँ पे जोड़ ली हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा हो गया है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।